हेलो बच्चों नवाचारी प्रयोगशाला के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है ब्रिज कोर्स में आज हम जुलाई माह में द्वितीय सप्ताह में जो हमने कार्य करने हैं हिंदी कक्षा छः की आज हम बात करते हैं तो कक्षा छः में इस द्वितीय सप्ताह में आपको छः दिन हैं तो छः गतिविधियां हमारे पास हैं जिनको हमने रोज़ एक एक दिन में एक गतिविधि करनी है तो इन गतिविधियों में इस बार ये फोकस किया गया है कि आप लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पर अपनी समझ को मज़बूत बना लें और उसके साथ साथ थोड़ा तुकांत शब्द और कविता निर्माण की भी एक गतिविधि है तो देखते हैं इस बार के सप्ताह में हमने क्या क्या कार्य करने हैं तो शुरू करते हैं तो पहली गतिविधि इस बार हमारे लिए है जो हमने पहले दिन करनी है वो है संज्ञा की परिभाषा तो संज्ञा की परिभाषा जैसे आपको मालूम ही है कि किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान गुण जाति भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे इसमें रमेश शेर पुस्तक देहरादून कोई वस्तु है कोई प्राणी है कोई व्यक्ति है और कोई शहर का नाम है ठीक है तो आपने भी एक नीचे यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है ये एक अनुच्छेद है ठीक है इस अनुच्छेद को आपने पढ़ना है और यहाँ पे उसमें जो संज्ञा शब्द आए हुए हैं उनको लिखना है ठीक है ऐसे यहाँ पे जो संज्ञा शब्द आए हैं उनको आपने इसमें लिख लेना है तो ये हो गया आपका पहले दिन का टास्क अब दूसरे दिन की गतिविधि के बारे में बात करते हैं तो गतिविधि संख्या दो इसमें आपको क्या करना है इसमें हमें सर्वनाम के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि आ, सर्वनाम किसे कहते हैं जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है मोहन और रमेश अच्छे मित्र हैं मोहन और रमेश दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं जिस दिन मोहन विद्यालय नहीं आता उस दिन रमेश को अच्छा नहीं लगता तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि उपरोक्त अनुच्छेद में रमेश के स्थान पर स्वयं को मानकर तथा मोहन स्वयं को मानकर तथा मोहन शब्द जो तीन बार आया है में बाद में आए दोनों मोहन शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द लिखकर अनुच्छेद को पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है अब उन्होंने अनुच्छेद को समझाया हुआ है देखिए इन्होंने यहाँ पे मोहन और रमेश हमारे बार बार आ रहे थे इस सेंटेंस में जो ऊपर वा ऊपर वाला जो स्टैंडा था अब जो नीचे हमने दूसरा स्टैंडा लिखा है अपने को मानते हुए उसमें लिखा है मोहन और मैं अच्छे मित्र हैं वह और मैं ये देखिए अब उसने वहाँ पे दूसरी बार में ना मोहन का नाम लिया ना रमेश का नाम लिया वह और मैं दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं ठीक है जिस दिन वह विद्यालय नहीं आता उस दिन मुझको अच्छा नहीं लगता तो अब इस 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 सेंटेंस में आ, हमारे पास जो शब्द आए हैं वो है मैं मुझ वह है ना तो ये शब्द जो भी शब्द हैं ये आ, ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं रमेश मोहन इनकी जगह पे आए हुए हैं है ना तो इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या करना है सर्वनाम यहाँ पे लिखा हुआ है हमने यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है ठीक है तो ये अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको जो भी लगता है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकती है क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के बदले ये शब्द आए हुए हैं जैसे मैं वह मुझको है ना तो आप यहाँ परिभाषा लिखेंगे तो ये आपके दूसरे दिन का टास्क है अब बात आती है तीसरे दिन के टास्क की तीसरे दिन की गतिविधि आपकी है कुछ यहाँ पे वाक्य दिए हैं जैसे मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ कमरे में दस आदमी हैं गिलास में कुछ दूध है है ना ऐसी एक सेंटेंस हो रहा है वह फूल लाल है तो इसमें आप देखेंगे कि ठंडा दस कुछ लाल ऐसे जो शब्द हैं ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं ठीक है अब जैसे इन्होंने यहाँ पे आ, कुछ वाक्य दिए हुए हैं सुधाकर दयालु व्यक्ति है सुधाकर क्या है संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है सुधाकर की विशेषता क्या है कि वह एक दयालु व्यक्ति है है ना तो इस सेंटेंस में हमारा विशेषण हो जाएगा दयालु यहाँ पे दयालु लिखेंगे आप और विशेष्य मतलब वो शब्द जिसकी वो विशेषण विशेषता बता रहा है यानी कि वो संज्ञा शब्द तो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द वो शब्द क्या है यहाँ पे सुधाकर है तो यहाँ पे दयालु आ जाएगा यहाँ पे सुधाकर आ जाएगा तो इसी प्रकार से आपने ये सारे पाँचों वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छाटने हैं और यहाँ पे इन जगहों पे लिखने ठीक है तो ये आपका आ, हमारा कक, आ, तीसरे दिन का टास्क है अब हम आते हैं चौथे दिन के टास्क पे, चौथी गतिविधि हम हम हमने चौथे दिन करनी है इसमें बात की गई है क्रिया शब्दों की परिभाषा दी है जिस शब्द के जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं जैसे मोहन कबूतर उड़ा रहा है मोहन यहाँ पे संज्ञा है कबूतर भी संज्ञा है लेकिन मोहन कबूतर को क्या कर रहा है उड़ाने का काम कर रहा है कबूतर को उड़ा रहा है बैठा हुआ कबूतर है और उसको उसने आ, कुछ आ, उसने उसको डराया या कुछ इशारे दिए कबूतर उड़ने लगा है ना तो मोहन ने कबूतर को उड़ाया या दाने दे करके है ना तो ऐसी है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है सूर्य संज्ञा है और निकलने का काम हो रहा है सूर्य का तो निकलना यानी कि जहाँ पे कोई काम का होने या करने का पता चल रहा है तो वो क्रिया शब्द होते हैं है ना तो अब हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं जैसे माँ कपड़े धो रही है तो इसमें हमने क्रिया शब्द छाँट के लिखना है तो ये माँ कपड़े धो रही हमें क्या काम क्या हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल ठीक यहाँ पे काम हो रहा है धोने का तो यहाँ पे आप लिख देंगे धो रही है ठीक है जैसे कमला ने एक गाना सुनाया तो यहाँ पे कमला क्या काम कर रही है सुनाने का काम कर रही है तो यहाँ पे सुनाया आप क्रिया शब्द लिख देंगे इसी प्रकार से आप बाकी इन वाक्यों को भी करेंगे सामने अब बात आती है गतिविधि पाँच यानी कि पाँचवें दिन की गतिविधि इसमें हमने क्या कर रहे है एक कहानी दी हुई है कहानी अपूर्ण कहानी है इसको हमने पूर्ण करना है देखिए इसने कहानी लिखी है कि एक कौवा था वह बहुत प्यासा था पानी की खोज में भटक रहा था दूर कहीं उसे एक घड़ा दिखाई दिया वह इसके बाद इन्होंने कहानी को यहाँ पे छोड़ दिया है अब हमने इस कहानी को यहाँ से आगे को बढ़ाना है उसको पूरा करना है तो बच्चों यहाँ पे मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये कहानी जैसी हम अपनी छोटी कक्षाओं में कक्षा एक दो में पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं कि कौवे ने घड़े में कंकर डाले पानी कम था और पानी ऊपर आ गया उसने पानी पी लिया तो ये सारा आप ना लिख के अपने मन से इस कहानी में आपको और क्या लग सकता है क्या ये कहानी और कुछ दूसरा मोड़ दे सकती है इस कहानी में और आज के आधुनिक समय के हिसाब से और क्या हो सकता है कि कौवा बहुत प्यासा था पानी की खोज में भटक रहा था उसे दूर एक घड़ा दिखाई दिया उसके बाद क्या हुआ तो आप कोशिश करें कि वो पुरानी कहानी इसमें ना आए और आपके विचार में नई कहानी किस प्रकार नया मोड़ ले सकती है वो कहानी आप मुझे लिख के दिखाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है बच्चों तो ये आपकी गतिविधि पाँच है पाँचवें दिन की अब बारी आती है छठे दिन की गतिविधि की छठे दिन आपने यहाँ पर एक कविता दी हुई है इस कविता को हम पहले पढ़ते हैं लिखा है मिलकर कोरोना को हराना है घर से हमें कहीं नहीं जाना है हाथ किसी से नहीं मिलाना है चेहरे को हाथ नहीं लगाना है मिलकर कोरोना को हराना है अब इसमें देखिए कविता में मिलकर कोरोना को हराना है से कविता शुरू हो रही है और इसी से ख़त्म भी हो रही है और अंत में हर पंक्ति के अंत में ना है ना है ना है ऐसा आता है तो एक अच्छी सी कविता बन गई है तो इसी कविता को हमने आगे बढ़ाते हुए अगले पांच लाइनें भी यहाँ पे लिखनी है ठीक है जैसे हम लिख सकते हैं मिलकर कोरोना को हराना है सैनिटाइज़र हमें लगाना है बार बार हमने हाथ धोना है दो गज की दूरी अपनाना है मिलकर कोरोना को हराना है इस तरीके से हमारा अगला अंतरा भी बन सकता है तो आप भी एक अंतरा बनाएंगे और भी आगे को इस कविता को आगे को बढ़ाएंगे तो ये सारा काम आपने इस पूरे सप्ताह में करना है और इस काम को करने के बाद आपने मुझे शेयर करना है और कहीं पे कोई आपको समस्या आए कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चों ओके